तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 6:36, यहाँ से सांगला है 3 घंटे का रास्ता है एंड बाइक पे सामान भी बांध लिया है। अब बस सनराइज़ होने से पहले पहले जितनी बाइक खींच पाऊँगा उतनी खींच देंगे। बाकी स्टे मैंने यहाँ पे किया था, नीचे जाके सीढ़ियाँ चढ़ के कुछ 1000 रुपये का पड़ा, ठीक है रेट जायज़ ही था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 600 होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अब निकलते हैं। दोस्तों ऐसे तो सनराइज़ हो चुका है बट सुबह से मेरी तरफ एक बार भी धूप पड़ी नहीं है, वो सामने देखो सनराइज़ दिख रही है मुझे। बाकी गाइस सुबह की पहली पहली धूप की किरण भी मेरे ऊपर पड़ चुकी है एंड जस्ट मैं पीछे अभी एक ढाबे पे रुका था, मस्त चाय पी मैंने मीठा डाल के, बढ़िया। अब थोड़ी एनर्जी आई है भाई और धूप आ गई है तो और एनर्जी आ गई है। खैर यहाँ पे मैं रुक नहीं सकता कहीं पे भी ना, बिकॉज़ ये पैचेस सारे लैंडस्लाइड्स वाले हैं तो यहाँ पे रुकना सेफ़ ही नहीं है। सो मैं रुकूँगा भी नहीं, इवन नीचे जो खाई है भाई बहुत ख़तरनाक है, बहुत डीप डाउन है, इवन मैं देखना भी नहीं चाहता उसको। पर जो भी है मज़ा आ रहा है। तो गाइस मैं किन्नौर ज़िला में एंटर कर चुका हूँ और रास्ते हो रहे हैं धीरे धीरे ख़तरनाक से, और मैं भी इन रास्तों पे पहली बार बाइक चला रहा हूँ एंड सामने मेरे माउंटेन्स है भाई स्नो से भरे हुए, तो क्या लग रहा है। अभी कहीं आगे अभी मेरी शुभम से बात हुई, वो बोल रहा है कि मैं करछम में हूँ अभी और करछम यहाँ से मुझे दिखा रहा है 34 किलोमीटर। बाइक नंबर पंजाब पिन कोड 1444-01। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं बिरबिलिंग से आ रहा हूँ, मतलब अभी रामपुर से आ रहा हूँ जस्ट। कहाँ जाएंगे? सांगला। ठीक है जी, जाइए। थैंक यू जी। तो गाइस यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है, जस्ट कुछ हो गया तो इन केस आपकी डिटेल्स रहती हैं। फाइनली गाइस इसको देख ही लिया, बट आते टाइम रुकेंगे शायद, देखते हैं। बट अब हुए रोड्स, असली में रोड्स चालू लिटरली वाले। और भाई मैं बता नहीं सकता, मैं इतना खुश फील कर रहा हूँ ना अपनी बाइक लेके भाई, वो भी पल्सर 125 cc। क्रेजी भाई, क्रेजी यार, बहुत डिफरेंट लगता है। पता है चीज़ें ना बहुत डिफरेंट होती है जब आप एक ब्लॉग में देखते हो ना और जब आप अपनी आंखों के सामने से देखते हो, तो बहुत डिफरेंट होती है चीज़ें। खैर हम आराम आराम से चलेंगे, अपनी सेफ्टी भाई खुद के हाथ में है, बिकॉज तुम्हें नहीं पता सामने वाले का क्या, मतलब क्या सिनेरियो होगा चलाने का, बट अपनी सेफ्टी भाई खुद के हाथ में लेके चलो। ओ भाई भाई भाई,
हाँ जी पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। अच्छा जाऊं भाई, पत्थर गिर रहे थे ऊपर, मुझे तो नहीं पता बट उनको दिख रहे थे गिरते हुए, तो इसलिए बार बार वो एज ए सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंगली वो रोक रोक के भेज रहे थे सबको ना। और रास्ता भी देखा ही आपने कैसा था। गेट आ चुका है अभी, तो उससे से जाके मिलते हैं। वेलकम टू दुप्पा वैली। गाइस फाइनली रीच्ड टू द प्रॉपर्टी इन सांगला विद द नेम ऑफ अश्विन होमस्टे। रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई, दोस्त भी इतने हरामी नीचे लेने ही नहीं आ रहे। भाई जी रास्ता कहाँ से है इसका? ठीक है ना? देखो साले इतना नहीं नीचे लेने आ जाओ। भाई कितना ट्रिपी रास्ता है भाई ये होमस्टे का। कहाँ है रूम, कहाँ है? भाई फोन तो उठा लिया करो। हेलो नहीं यार ऐसे ही व्लॉग कर रहा हूँ। हेलो जी बहुत गंदे हाय। कोई बात नहीं बना रहे हो कुछ? हाँ दोस्तों फाइनली रीच्ड सांगला एंड अभी जस्ट पहुंचा एंड 11:30 हो गए हैं एंड अभी हम लोग होली के लिए जा रहे हैं। सो ये रूम मिला हमें अराउंड 600-700 मतलब 1200-1300 में एक रूम, ठीक है। अभी एक और बंदा आएगा कोई, तो इस बेस पे हम लोगों ने रूम शेयर किए हैं। एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ चेक दिस आउट। तो अभी मैं हूँ अश्विन होम स्टे पे एंड थोड़ी थोड़ी स्नो भी है। बाकी चेक करो बाइक कहाँ लगा दी है भाई मैंने, बाइक की हालत कुछ ऐसी हो रखी है फ़िलहाल के लिए, वो भाई धुलवानी पड़ेगी। एंड अभी तकरीबन दिखा रहा था सांगला यहाँ से मुझे, अभी मैं बीर का मैप चेक किया तो बीर अराउंड है 322 किलोमीटर के आसपास एंड तीन मतलब टोटल मुझे 14.5 घंटे लगे सांगला पहुंचने के लिए। एंड अभी बाकी दोस्त ऊपर बैठे हैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, मैंने भी थोड़ा अभी कुछ खाया, अभी फ्रेशन अप हो गए, अभी बस होली खेलने चलते हैं। बट बहुत मज़ा आया यार, रास्ते बहुत ख़तरनाक थे मतलब लिटरली में, और बट प्यारे रास्ते थे, मेरी बाइक भी पहुँच गई ईजीली, कुछ हुआ नहीं। सो भगवान का नाम लेके हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे
और अभी ऊपर का मैं व्यू चेक करवाता हूँ आप लोगों को, सामने का व्यू कितना प्यारा है, और चलते हैं ऊपर। सो गाइस चेक दिस आउट, हमारे साथ कौन है आज? उन्नति हीरोइन लग रही है आज तो। बाकी आस्था हाउ आर यू गाइस, चंडीगढ़ से आई है। ये मेरी ना रीस कर रही है, एक्चुअली कॉपी कर रही है, इसने टोपी पहन ली मेरे को देख के ना, अदरवाइज ऐसे ही जाने वाली थी ये। उन्नति सोचा डैनी सबको टोपी पहना दे, हम भी पहना दे। क्या प्लान है फिर आज का? शूट करेंगे ढेर सारा। हां गोप्रो गोप्रो चीयर्स चीयर्स कर ले गोप्रो चीयर्स। पर तेरा तो 10 है, मेरा 9 है। हां तो क्या हुआ, तो कैसे तू तो तेरा तीसरा साल है ना? तीसरा साल है मेरा। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बट मैं बहुत नर्वस भी हूँ, बिकॉज मैंने सुना है कि भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है। मैं दिख नहीं रही हूँ इसमें। दिख रही है। तो दो साल क्या किया, मतलब क्यों मनाते हैं सांगला में होली, क्या है कुछ बता इस जगह के बारे में। okay, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना, तब तो ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, कोई ब्लॉग भी नहीं था, यूट्यूब पे सिर्फ दो थे। एंड व्हेन वी विटनेस दिस फ्रॉम आवर आईज, इट वाज मैजिकल। लाइक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, डांस था, बहुत सारी बूज थी, खाना था, व्हाट नॉट। तो अभी बस चल रहे हैं, जाके देखते हैं क्या सिनेरियो है। चेक दिस आउट दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे माउंटेन्स हैं भाई, बहुत क्रेजी स्नो हो रखी है। एंड ये वाले जो पहाड़ हैं, इसके पीछे किन्नर कैलाश आता है, जो कि मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। अभी सब भी फ्रेशन अप होने गए हैं, बट व्यू गाइस अल्टीमेट है, हवा अल्टीमेट है। और बाकी अभी ये भी मुझे उन्नति ने बताया था कि ये कोई कश्मीर करके गांव है, ये पता नहीं कौन सा कश्मीर, अभी पूछूंगा मैं। बाकी कोई नहीं, चार दिन हम लोग यहीं पे हैं अभी, चार पांच दिन, एंड उसके बाद चितकुल जाने का भी प्लान कर रहे हैं। तो अभी हम वॉक पे निकल गए थे, एंड चेक दिस आउट, ये दरवाज़ा कितना प्यारा लग रहा है, और ये घर भी भाई। अभी मैं गर्ल्स गैंग के साथ जा रहा हूँ, उन्नति भी, उन्नति तू भी आज ब्लॉग करेगी ना। अभी हम लोग मार्केट साइड जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, हमें एक्चुअली किन्नौरी टोपी भी लेनी है, ऐसा कहते हैं यहाँ पे। शुभम ने बोला था कि बिना उसके मतलब बुरा मान जाते हैं वो लोग, तो अभी मार्केट के नज़ारे दिखाते हैं आपको आगे जाके। एंड देन वी विल बी लाइक प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, उसके बाद एक नीचे ग्राउंड में आएंगे, वहाँ पे हमें खाना मिलेगा, डांस होगा, और एंड होगा हमारा मंदिर में 6-7 बजे, नाग वो जो नाग टेम्पल टेम्पल। तो बस आज खाना होगा, गाना होगा, बजाना होगा, दारू होगी, और डांस होगा, तो वही होली खेलेंगे। चलो ठीक है। ओ भाई, ओ भाई कालू। सो गाइस कालू मस्त सोया है, गाने की आवाज़, मस्त धूप में सोया हुआ है, लेटा है, बढ़िया गाने बज रहे हैं, धार्मिक टाइप के। देखो भाई घुसता ही जा रहा है मेरे बीच, बहुत गर्म है, बहुत प्यारा है तू। चलो देखो घुसते ही जा रहे हैं, घुसते ही जा रहे हैं, शरारतें आ रही। हाँ मैं आपका खुशी, कहाँ जा रहे हो? बहुत खुश हो आप? उन्नति की नई दोस्त खुशी है ना, टॉफी खा रही है खुशी अभी। चलो बाय खुशी, बाय बाय, हेलो कर लो, बाय बाय। तो दोस्तों अभी हम लोग आए किन्नौरी टोपी लेने, तो जो मैंने टोपी पहनी थी वो मैंने उन्नति को दे दी, बिकॉज उसको धूप लग रही थी। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं किन्नौरी टोपी पहनूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत क्यूट लगूँगा इसमें। एंड अभी वेट कर रहे हैं भाई जी का, आए टोपी लेते हैं उनसे, चलते हैं। वो आखिरी दिन पहननी होती है रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ना, तो इसलिए उस दिन सारे लोग मंदिर में जाके टोपी पहन के, उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के नाच गाना करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाग मंदिर, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। चेक करके बताओ कैसा लग रहा हूँ। उन्नति ने अभी टोपी पहन ली है भैया, भैया बहुत करती है ये बस। देखो भैया भैया करती है भैया बहुत। तो मैंने भी ले ली है भाई किन्नौरी टोपी, अभी पहन ली मैंने, तो भाई मस्त लग रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से जाना है मंदिर के ऊपर से।
नदी गहरी में बहुत साफ साफ ब्लॉग में डाला मैंने तेरे इतने अच्छे अच्छे कलर लगाए हैं भाई रंग खरीद के खुद ही रंग लगा रही है अपने आप को अपने ही आदमियों के आदमियों के कलर लगा रही है आधा आधा किलो रंग ले लिए बोल भी खुद ही लगा लो भाई इसके भी रंग लगा दिया किसी ने यहाँ के कुत्ते भाई कितने ताकतवर लग रहे हैं एकदम हट्टे कट्टे भाई आस्था ने इसको पल्पी ऑरेंज तू कितने रंग छीनेगा आज सबसे सबसे रंग छीन छीन के लगा रहा है बता ये उन्नति से रंग छीन रहा था ये ना इसकी पल्पी ऑरेंज छीन के ले गया मैं तो कह रहा हूँ इसको इतना रंगीन कर दो ना इसके मम्मी ना पहचान पाए कि कौन है ये है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले दिन बैरंग नाग मंदिर इकट्ठा हुए तो कहते हैं कि नाग मंदिर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले ये पूरा गांव तालाब था तो यहाँ पे बैरंग नाग देवता चूहे का रूप धारण करके आए और इसी के साथ एक और मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है कमरू फोर्ट तो वहाँ के बद्रीनाथ देवता दोनों ने मिलकर सुरंग खोदनी चालू करी और सांगला गाँव को बसा दिया। सांगला मतलब रात का खुलना जो कि यहाँ के लोकल्स का कहना है। तो मंदिर से हम लोग सबसे पहले ढोल बाजे बजाते हुए किसी के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इंतज़ार करते हैं इन लोगों का जो कि राम रावण हनुमान जी दो रानियाँ और बाबा का रूप धारण करते हैं। तो कहते हैं दोस्तों राम अवतार ने रावण को मारा जो कि हम सभी को पता है और कृष्ण अवतार ने कंस को मारा। तो यहाँ पे होली बहुत पहले रंग से नहीं पेड़ों के छिलकों से खेली जाती थी। यहाँ पे हम सोमरस ड्राई फ्रूट्स भटूरू और बहुत सी खाने की चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद नाच गाना ढोल बजाना और ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बाद हम सबसे लास्ट में मंदिर में ही इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर में एकत्रित होने के बाद हम लोग अपना अपना स्थान लेके बैठ जाते हैं और यहाँ पे मंदिर के देवताओं को बाहर निकाला जाता है और कहते हैं कि इस जगह पे इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि वहाँ पे देवता आपको खुद ही संदेशा देते हैं या चिन्ह या इशारों से आने वाले वक्त पे क्या होगा वो बताते हैं। तो आज का हमारा दिन कुछ इस तरह का गुजरा। तो आस्था पहली बार सांगला आई थी और इसका बेचारी का पर्स गुम हो गया है। थोड़ी 4,000 रुपये पड़े थे उसमें डॉक्यूमेंट्स थे। अभी सभी लोग ढूंढने जा रहे हैं इसका पर्स मंदिर साइड। चलो 4 लोग खोजें 1,000 बार को। मिल गया पर्स मिल गया। ये पार्टी पार्टी का रात की पार्टी कहाँ आज। मैं तो कह रहा हूँ भाई सोमर छोड़ो वो पक्की शराब पीते तो पर्स मिल गया। तो गाइज अभी हम लोग आए थे खाना खाने मंदिर के बाद एंड यहाँ पे एक जगह पे हम लोग गए थे सांगला फास्ट फूड। एक और जगह गए थे वहाँ खाना ख़त्म हो गया था एंड अभी हम लोग सांगला फास्ट फूड गए थे। अराउंड वेज थाली नॉन वेज थाली ऑर्डर की थी। 1.5-2 घंटे हो गए भाई बोल रहे हैं कि खाना नहीं हो पाएगा लाइक टाइम लगेगा रोटी नहीं है ये वो। सो इसके चक्कर में भाई हमारा मूड ही ख़राब हो गया। अब प्रॉपर्टी जाके खाएंगे कुछ मतलब ना हद है मतलब हाँ खाना भी नहीं मिला और 2-2.5 घंटे इंतज़ार भी किया।